यूपी के कानपुर में मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक मासूम छात्र की मौत हो गई। क्लास में कविता सुनाते सुनाते बच्चा बेहोश हो गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। उसने बोला शुरू किया, एकदम से उसको चक्कर आने लगा, तो उसकी जो टीचर थी उसने उसको पकड़ लिया बच्चे को, और हमको वो बच्चा एकदम से उसको हमें लगा जैसे फिट्स आ गए उस बच्चे को, तो तुरंत नीचे इन्फॉर्मेशन आई मैम बच्चे को चक्कर आ गया। जितना टाइम हमें जाने में लगता है हम लोग लेके बच्चे को नीचे आए, तुरंत हमने उसका आई कार्ड से उसके पेरेंट्स को फोन किया, उसके फादर ने फोन उठाया, हमने पता आप बेटे आप उसके फादर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं फादर बोल रहा हूँ, हमने कहा आपके बच्चे को शायद फिट्स आ गए हैं, आप तुरंत आ जाके इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए फिट्स का इलाज हमारे पास में नहीं होता विद्यालय में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उनके फादर ने कहा मैं तो अस्पताल में हूँ और मेरी टांग टूटी हुई है, मैं तो आने में असमर्थ हूँ, मैं ऐसा करता हूँ अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, जितना डब्लू ब्लॉक में रहते हैं, हमारा स्कूल भी डब्लू ब्लॉक में है, तो डब्लू जितना समय उनको आने में लगा मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, वो आए साथ में एक जेंट्स भी आया और हमने बच्चा गोदी में लिया। उसके बाद उसकी मम्मी रोने लगी, कहने लगी इसके तो लीवर में और किडनी में पहले से प्रॉब्लम है मैडम, ऐसे क्या होगा। हमने कहा परेशान मत होइए, हम लोगों ने काफी उसके हाथ पांव बच्चे के रगड़ने लगे और उनके पास अपना वाहन भी नहीं था, तो हमारा जो स्कूल का गार्ड है जो कर्मचारी है महेंद्र और एक मैंने अपना टीचर भेजा शिवम को, हमने शिवम ने उसकी मदर को बैठाया, महेंद्र ने उसके भाई को बैठाया और गोदी में बच्चा लिया, वो रमाशिव तक गए। रमाशिव जाने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला, उसके बाद वो लेके उसको हेलर चले गए। उसके बाद में क्या हुआ हम लोग को उसके बाद में क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है। इसके बाद मालूम पड़ा कि आप जैसे आपने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई और खेलते समय हो गई, हमने कहा खेल तो आज हुआ ही नहीं है स्कूल में क्योंकि आज एग्जामिनेशन था और इसके लिए आपको पुष्टि करनी है, देखिए कल सुबह आप आए, आपके पास सीसीटीवी कैमरा होगा। जी हाँ है, देखिए आप उस क्लास में फिफ्थ ए में कुछ क्लासेस में हमारे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पर जो हमारा बाहर का सीसीटीवी कैमरा है आप उसमें देख सकते हैं कि मदर और उसके साथ में एक आए और बच्चे को उठाया और हमने लेके चले गए, आप ये देख सकते हैं क्योंकि यही सत्यता है। इसके लिए देखिए मैं आप पुलिस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप देखिए हमारा पक्ष कौन रखेगा, हमारे बारे में कौन बताएगा, तो हमारे बारे में आप स्वयं किस आ जाइए, सुबह स्कूल लगा है सारे बच्चे आएंगे, आप बच्चों से पूछिए कि वो बच्चा कैसे गिर गया, वो कहाँ था, क्या तुम लोग खेल रहे थे, सब बताएंगे एग्जाम का।